trying to make it. They want me to do something that could. सो हाय एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस बाइक का, यानी कि क्लासिक 350 बुलेट। और इसके ऑनर से हम जानेंगे कि जितना टाइम इनको लिए हुए हो गया आज तक, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रॉब्लम्स आई, और ये अपना टोटल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं कुछ रिसेंट कमेंट हैं चैनल पर, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। राहुल लिखते हैं कि भाई इनका नंबर दे दो। ये कमेंट मेरी एक वीडियो पे आया था जो मैंने सेक्टर 44 चंडीगढ़ में शूट की थी, जहाँ पे सेकंड हैंड बाइक्स की मार्केट लगती है। हर तरह की बाइक्स, हर रेंज की बाइक्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो हम कभी गए थे वहाँ पे एक बाइक लेने के लिए, तब मैंने शूट किया था। सो ये कहते हैं राहुल बादशाह जी, कहते हैं कि CBR 250 लेनी है मैंने, मिल जाएगी? तो भाई वहाँ पे हर एक बाइक मिल जाती है, बट आपको वहाँ पे विजिट करना होगा। और बाइक लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं एक सेकेंड हैंड बाइक लेने में या कार लेने में, वो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। या फिर आप साथ में किसी एक एक्सपर्ट को भी कैरी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है मयंक अग्निहोत्री जी का कि फॉक्स वैगन, स्कोडा, हुंडई, फोर्ड की कार्स में मीटर की टैम्परिंग हो जाती है? यस, सभी गाड़ियों में हो जाती है भाई। 300 से लेके 1000 रुपये मनी माजरा चंडीगढ़ में चले जाओ, किसी भी गाड़ी को ले जाओ, आप अपना मनचाहा मीटर रीडिंग आप करवा सकते हो और हर गाड़ी की हो जाती है। नेक्स्ट कमेंट है राहुल अत्री का, ये लिखते हैं भाई सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, कोई बेस्ट प्लेस बताओ। देखो बेस्ट प्लेस कोई नहीं होता, बेस्ट गाड़ी होती है, और उसको लेने के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। सो कहीं भी जाओ, आपकी सबसे पहले तो जो आप गाड़ी प्रेफर कर रहे हो, जिसको लेने जा रहे हो, वो वहाँ पे होनी चाहिए, और जो आप उसमें चाहते हो वो होना चाहिए। फिर आपको बजट में आनी चाहिए, तो वो प्लेस बेस्ट होता है। अदरवाइज चंडीगढ़ में बहुत सारी ऐसी कार बाजार के डीलर हैं जहाँ पे आप चले जाओ, हर गाड़ी आपको मिल जाएंगी। सो कहीं भी जाओ, ट्राई करो, बट अच्छे से जांच पड़ताल करके अच्छे बजट में गाड़ी लो। चलिए अब शुरू करते हैं और बुलाते हैं बाइक के ऑनर को। ये रविंदर हैं, तो ये इस बाइक को ऑन करते हैं। और कितना टाइम हो गया आपको इस बाइक को लिए हुए? इस बाइक को लिए हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं, तो कितने किलोमीटर चल चुकी है ये? 21,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो जब आप इसको ले रहे थे तो कोई और भी प्रेफरेंस में दूसरी गाड़ी थी कि यार वो देख रहे थे, बाद में ये ले ली, या सीधा मन बना लिया था कि यही लेनी है? मैं मन दो बाइक का बना के गया था। मुझे लेनी थी तो थंडरबर्ड जो रॉयल एनफील्ड की आती थी, लेकिन वो उस टाइम बंद हो चुकी थी, तो मेटेओर अभी आई नहीं थी, वो लॉन्च होनी थी, तो ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी। फिर इसको फर्स्ट बना लिया। तो इसको फर्स्ट बना लिया। अगर मान लो मेटेओर अब होती तो मेटेओर लेते? नहीं, हाँ अब के अकॉर्डिंग मेटेओर लेता मैं, बिकॉज जो नया वाला क्लासिक आया, मुझे उसकी, देखो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे उसकी लुक अच्छी नहीं लगती। ओके, सो अगर अब आप लेते आज की डेट में, तो आप मेटेओर ही लेते? मेटेओर लेता, और मेटेओर काफी अच्छा आजकल टॉप सेलिंग भी होगी, मतलब अच्छी सेल हो रही है, ट्रेंडिंग में है, और यूके में तो मैंने सुना कि वो टॉप सेलिंग भी बन चुकी है पिछले 6-8 महीनों में। जी, सो वो भी एक फैक्टर होता ही है कि यूके की बाइक जो वहाँ पे भी मतलब अच्छी चल रही है, तो मैं वो लेता हूँ, अदरवाइज उसके लुक भी अच्छे हैं। ये बाइक मैंने ली, इसको जब फर्स्ट प्रेफरेंस बनाया अपनी, तो ये बाइक मुझे लगता है कि आज भी मुझे, मेरे दो फ्रेंड्स बोल चुके हैं, बिकॉज अब ये मॉडल आना बंद हो गया, ये एक इसका लास्ट मॉडल था जो इस लुक में आता था, ऊपर से ये BS6 भी है, तो इस बाइक की मुझे 1.5 लाख तक जो है बंदे बोल चुके हैं आज की डेट में, आज की डेट में भी 1.5 से ऊपर। एक बंदे ने तो इतना भी बोला था मुझे कि जितने की आपने लिए हम उतना दे देंगे। तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि नई बाइक के जो प्राइस हैं वो काफी बढ़ चुके हैं, प्राइस बढ़ चुके हैं। और सेकंड चीज है कि कुछ जो बंदे हैं वो सिर्फ लुक को प्यार करते हैं गाड़ी की, कि हमें इस लुक की गाड़ी चाहिए, तो ये जो है लास्ट मॉडल था रॉयल एनफील्ड का जो इस लुक में आता था, अभी तो ये बंद हो चुका है। और इसकी डिटेल्स यही है कि 350 सीसी है, डबल डिस्क में आता है ये। हाँ, तो ये अलॉय व्हील्स के लिए नहीं आपने सोचा कि अलॉय व्हील्स भी मैं डलवा लेता हूँ? नहीं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जैसे हम अभी मैं भी लॉन्ग टूर करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो ये बेस्ट है। फॉक्स वायर हैं जो बेस्ट हैं, एंड आई थिंक उसका खर्चा भी ज्यादा हो जाता है, और ऊपर से फिर आपको टायर भी चेंज करवाने पड़ते हैं ना उसको डलवाने के लिए। आगे नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, पहले तो सबसे पहले एवरेज का बता दो, कि जो सबको जानना होता है कि क्या माइलेज देती है। देखिए माइलेज का मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा मानना है कि ये आपके ऊपर है कि आप बाइक को मेंटेन कैसे रख रहे हैं, प्लस आप बाइक को ड्राइव कैसे कर रहे हैं। करेक्ट, मेरे साथ के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि हमारे पास जो बाइक है हमारी 30 से 35 के बीच एवरेज दे, 35 भी कम बोलते हैं। बट आप मतलब मेरे जानने लेकिन का हाँ, ये है, जो मैं रही है कि ऑन एन एवरेज अगर हम स्मूथ चलाते हैं, मतलब अगर आप स्मूथ चलाते हो अच्छा आपके हैंड ड्राइव पे, तो आप
इससे 35 से लेके 40 के बीच जो है एवरेज ले चुका, जो कि बहुत अच्छी माइलेज है। अभी मुझे 2 साल हो गए इसको लिए हुए, तो आज के डेट में भी मैं इससे 38, 39, 37 तो ये एवरेज में कोई मीटर वगैरह तो माइलेज का वो तो कार नहीं, में ही वो होता, तो इसमें नहीं होता। हाँ, इसमें नहीं बट होता। फिर भी एक आपका जो एक हाँ मतलब एक्सपीरियंस जो उस अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं कि। एंड नेक्स्ट चीज की खर्चा सर्विस का, इसमें मुझे ये जानना है कि जब आपने ली थी तब, मतलब जब कंपनी जो है वो फ्री सर्विसेज देती है, और अब जब आप अपनी खुद जेब से सब कुछ करवा रहे हो, तो वो उसका और आज का क्या डिफरेंस है? पहले जब मैंने ली थी, जब कंपनी एक फ्री ऑफ सर्विस बोलते हैं कि 5 सर्विस फ्री हैं, तो उसमें जो है मेरे सिर्फ 1200 लगते थे, जो मतलब वो फ्री सर्विसेज हाँ, करके फ्री सर्विस करके ऑफर देते हैं, उसमें सिर्फ आपके 1200 लगते थे, 1200-1300। और अब 21,000 चलाने के बाद 2 साल बाद जब आप सर्विस करवाते हो तब क्या कॉस्ट आती है? अभी जैसे मैंने इसकी 20,000 पे पेड सर्विस करवाई थी, 5,000 पे एवरी मतलब 5,000 पे इसकी सर्विस होती है, तो अभी मैंने जो सर्विस कॉस्ट है इसकी वो है 2200 से 2300 रुपया, जो कि मतलब एक मारुति ऑल्टो या दूसरी कार की सर्विस हाँ, के बराबर सर्विस है। के बराबर तो है। आप क्या, आपको क्या लगता है कि मतलब वो हायर साइड है, महंगी लगती है आपको या ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग महंगी है, बिकॉज उसमें जो लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा ऐड कर देते हैं, उनकी 800 समथिंग लेबर कॉस्ट है। मान लो आपको 2200 रुपया सर्विस का पे करना पड़ रहा है, उसके अलावा अगर आप बाइक में कुछ भी चेंज करवाते हो, जैसे 5000 के बाद आपके ब्रेक शू चेंज होते हैं, एयर फिल्टर चेंज करवाना है, तो उनके जो अलग एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हो जाते हैं। अब मान लो आप एयर फिल्टर और ब्रेक शू भी अगर एक दो आइटम भी चेंज करवाते हो, तो आपको अकॉर्डिंग 2500 से 3000 रुपया पे करना पड़ेगा। बाहर से सर्विस करवाते हैं लोग, बाहर से आई थिंक सस्ती पड़ती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कंपनी से हम सर्विस करवाते हैं वही करवानी चाहिए, क्योंकि उसकी अश्योरिटी है हमें। एटलीस्ट 10 साल तक तो करवाएं, उसके बाद फिर आप मॉडरेट वे में जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द सर्विस, ऐसा कोई बड़ा ब्रेकडाउन जिसमें लगा यार कि ये तो बहुत महंगा मेरे को पार्ट पड़ गया, ये तो खर्चा, बुलेट में सुना था कि इसका कोई खर्चे नहीं होते हैं, बट ऐसा कुछ हो गया कि हाय तौबा, देखिए वो यार, तो इतना बहुत है यार, ये तो मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है यहाँ। देखिए वो तो आई डोंट नो कि कंपनी वाले ना वो चीजें एक्चुअल में बताते नहीं है। जैसे कि मैं, मेरा मानना है कि मैंने इसमें एक 3000 की वारंटी ली थी जब मैंने इसको बाय करा था। ओके। उस वारंटी में मुझे ये बोला था उन्होंने कि रनिंग पार्ट को छोड़ के 5 साल तक कुछ भी खराब होता है रनिंग पार्ट को छोड़ के, तो वो जो है आपकी बाइक का FOC में किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ठीक है। लेकिन वो कुछ भी वैलिड नहीं होता, वैलिड इसलिए बोल सकते हैं हम कि जहां तो हमें प्रॉपर उसकी जानकारी नहीं होती है। अब जिस बंदे को जानकारी नहीं है, एजेंसी वाले तो खुद बताने से रहे, वो ना बताते ना गाइड, वो बताते भी इसी तरीके से ताकि कस्टमर जो है अट्रैक्ट होके वो ऑफर ले ले। वो बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं या जो एक्चुअल में चीजें होती हैं वो हम जानते भी नहीं और वो बताना भी नहीं समझते है ना। अगर वो बताएंगे तो हम लेंगे नहीं, इसलिए वो उतना ही बताते हैं जितना हम उनसे पूछते हैं। तो उनकी भी गलती नहीं है, बट कस्टमर को ये चाहिए कि वो जांच परख करके जान ले कि एक्चुअल में कौन सी चीजें उसमें कवर हैं और कौन सी चीजें कवर नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।